क्या काम होता है यहाँ पे? क्या काम होता है? क्या काम होता है? आधार बनता है, आधार कार्ड यहाँ पे आप लोग बनवाने आए हैं? आप लोग के आधार कार्ड अभी तक नहीं है? करेक्शन गलती है, करेक्शन आपकी गलती हुई। आपका नाम क्या है? उसमें क्या आ गया? डेट ऑफ बर्थ असली क्या है? उसमें क्या है? तो करेक्शन कराना है। कितना चार्ज लेते हैं करेक्शन का ये लोग आपसे? सर तीस से चालीस रुपए चार्ज होता है उसका। कितना चार्ज है भाई? कहाँ लिखा हुआ है? उनको सपना आएगा? नहीं बताते हैं। क्यों? वो यहाँ पे जमा करेक्शन था 30 तो करेक्शन के हो गए 60 किसके? प्रिंट आउट का कॉस्ट 60 कैसे? 50 रुपये प्रिंट आउट कॉस्ट? 25 के प्रिंट आउट? ये प्रिंट आउट निकाल के दो, कीमत 50 रुपया आती है सर। 12 रुपये 50 है इसने भी डर कर दूंगा। यूआईडी ने बैठा रखा है बिल कॉस्ट वॉस्ट पूरा लिखी। 50 रुपये का प्रिंट आउट सर इसी कॉस्ट है। दिखाओ कहाँ से मिली ये कॉस्ट, किसने तय करी है? तुम 50 रुपया लोग ऐसे हर बैंक में बैठे हैं इस तरह के लोग लो क्या? और इसी तरह से लूट रहे हैं? नहीं लूट रहे सर, इसमें तो है नहीं। क्या लिखा है सर? मैंने लिखा था, मैं बता तो रहा हूँ, उससे वो नहीं सर। तुम मना किया सर? मैं मना नहीं किया सर, ये आए थे ना नए मैनेजर साहब, हाँ निकाल दिया था सर यहाँ से ना। अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है। पब्लिक का राइट है, सर्विस कितने की समझ रहे हो सर? ऐसा कोई भी नहीं है, कोई बोली तो छुपा नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ प्रिंट आउट का रेट हमने लगाया था सर यहाँ पे ना, वो सर आए थे तो इन्होंने वो निकाल दिया। उसका कितना पैसा है एड्रेस चेंज का? वही है। आप लोग मुझे किसने पेमेंट किया? माता जी हैं अभी तो आई सर, यही चिपका दो यहाँ पे ठीक है सर। अगली बार सारा सामान दोबारा जब्त करके नहीं नहीं सर डलवा दूंगा जेल में, चिपका दूंगा समझ गए हो? फ्रॉड करने के लिए और पब्लिक को चूना लगाने के लिए, लगाने के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई ना समझ में? 15 मिनट में चिपकाओ मिले मुझे यहाँ, ठीक है? और प्रिंट आउट जो तुम बता रहे हो 50 रुपया, इससे 90 ले रहा मैम आपसे, दे दिया आपने? 90 बताओ, हिसाब किताब बताओ, 90 का हिसाब किताब बताओ। 30 रुपये उसके हो गए, इसके फीस के, और 90 नहीं दिए सर, 90 तो टोटल है। 90 के प्रिंट आउट सर 90 टोटल ही है ना? 90 ले लिए आपने? कितना पैसा दिया? 90 हाँ दे दिए सर। 90 खुल ले ना? हाँ जी। किस बात के? 50 रुपये तो इसके, हाँ 30 रुपये 30 किसके? फीस किस? और 10 रुपये फोटोस्टेट। कौन सी फोटोस्टेट? कौन से फोटोस्टेट? कौन सी ये सर? इसमें डॉक्यूमेंट्स लगे ना? कौन से? आधार कार्ड की क्या? इसकी तो फोटो कॉपी लेनी है, एकदम घर से करा के नहीं स्कैन किया ना। कहाँ है पैसे? प्रिंट आउट का रेट कहाँ लिखा है? 50 होना चाहिए। 50 रुपये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है सर? लिखा हुआ तो है नहीं। 12वीं तुमने कैसे तय कर दिया? 12वीं सर 50 रुपये कैसे वापस कर? पूरे नहीं, जितने ज़्यादा लिए हैं उतने सर, उतने ही है। 10 रुपये ज़्यादा है। 20 रुपये लौटाओ वापस करो। 20 रुपये आपने तो खुले दिए थे मैम इसको। 100 रुपये 10 लौटा दिया आपने? कह रहा आप लौटाऊंगा, छोड़ो ना मुझे। दे दिए सर मैंने 10 रुपये है। 10 रुपये दिए, 10 और दो, पूरे 10 और दो। अब ठीक है, अब जरा दिमाग ठीक कर लो अपना, समझ गए? कब से कर रहे हो काम यार? 3 महीने। तो ये ना हो कि तुम्हारा अंतिम महीना हो गया। नहीं नहीं कोई, समझ रहे हो? चिपका दो 2 मिनट के अंदर। ये किस आपका? नहीं ये तो किसी और, उनको दिखा रहा हूँ फिर प्रिंट आउट के पैसे। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ सर। आपने कौन सा प्रिंट आउट लिया सर? अभी आएगा, अभी देंगे सर इनको। कब? 15 दिन बाद।
इसका एडवांस मिल गया, अपडेट किया है ना सर? हैं अपडेट किया है ना? प्रिंट आउट का पैसा एडवांस में कैसे ले लो भाई, प्रिंट दिया ही नहीं अभी तो सर। इन्हें देंगे ना, धोगे ना तो तभी तो देंगे पैसा। ये एक ही बात है सर। क्या चीज वो तो जब इन्हें दिया आपको, आज के बदले में इन्होंने दिया क्या सर? है ना, ये दीजिए। तो क्यों नहीं देंगे अभी तो सर? आप आगे ना एकदम दे रहे थे, दे रहे थे देने ही वाले थे आप आगे ना? अच्छा, तब तक मतलब तुम्हारी किस्मत में हम आ गए जी। किसका है ये? तो किसी और का है। कितने जमा प्रिंट आउट तुम्हारे पास? हाँ जी, कितने जमा कर रखा है? यही है सर। ये जिसको जो छुट्टी होने लगती है, कुछ जिसको बाहर निकलवाना होता है बाहर निकलवाना। बाहर प्रिंट आउट का रेट 50 है। 50 मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे रेट कम मिला तो आज उठा दूंगा तुम्हारा पूरा बिस्तर। ठीक है, ये बता रहा है लड़का। आपके बैंक का कूड़ा कहाँ आता है और कौन ले जाता है? कहाँ पे जमा होता है और कौन इसे ले जाता है? यहाँ से कोई नहीं ले जाता सर, ये इन्होंने डाला है। किसने? कौन लड़का? अभी ये पता है, सोनू इधर आ बेटा, इसी ने डाला है। किसने? किसी ने बुलाओ लड़का है। हाँ, तो अगर बैंक से ही ऐसा करेंगे? नहीं सर, नहीं आगे से नहीं होगा। आगे से मेरे पास तो और काम है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ऐसी जगह डलवाएंगे जहाँ वो गाड़ी आती है। जो मेरा एक काम है, जहाँ देखो मैं दंड दे दो। कहाँ है वो? 5,000 रुपये का चलान पर्ची किसके पास है? हमारे पास है। मैं बैंक से क्या उम्मीद करूँगा? बैंक आर सपोज टू लीड द लाइट एंड शो पीपल, और हम लोग ऐसा करेंगे तो हो गया कि हम पूरा अपना खर्च करा देंगे। RTGS NFT पासपोर्ट थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है सर इसका। मैंने हम सड़क पर कूड़ा डालते हैं अभी, डिजाइन दुनिया वगैरह सड़क पर कूड़ा डालेंगे। भी शोइंग नहीं, गलती है सर, गलती है। दंड मिलेगा। केरल में तो लगी होगी, केरल को तो उठा के लाया। केरल का तो ट्रक मैंने देखा। अच्छा, अभी तो मैं रुका हूँ यहाँ पे, मैंने देखा किसका कूड़ा तुम उठा रहे हो। ऐसे बाजार के बीच में कूड़ा निकल थोड़ी सकता है ऐसे, इसमें लॉट ऑफ पीपल आर डंपिंग इट। ये तो डंप करके 5,000 रुपये देगा अब तो नहीं करता। और ये टीम मैनेज कर रहा है आपको, ये टीम लगा के जो एजेंट से बैठा है और सारी बैठे सब कितने भी करा सुनी का। ये आसपास जो दो बैंक और है ना, इनमें भी आधार वाला बैठ रहा है, इन दो में भी या अकेले बैठ रहा है? इनमें कोई नहीं बैठा सर, यही काम है। यही पता है सर। आप लोग बार बार आते रहते हैं? सर मैं 2-3 बार आता हूं। किसी और काम करवाते हो अपना करवाते हो? नहीं सर, आधार कार्ड इशू है यहां पर। एक दिन अपना ही कि किसी और का? सर अपने सर, असल कंप्लेंट लगा था सर एक दिन। अच्छा, बार बार तुम्हारा गलत जान मुझे गलत नहीं बन रहा तुम्हारा, बार बार तुम 30 रुपये लेते रहे। सब आधार कार्ड की भीड़ है इतनी ज़्यादा, बैंक की भीड़ कम है, आधार कार्ड की ज़्यादा है। पासपोर्ट बनवाना है, एडमिशन लेना है, सभी जगह एक आइडेंटिटी हो तो अच्छी बात है। बाय पोस्ट आता है ना बनने के बाद, जैसे फॉर्म सबमिट हुआ था, बाय पोस्ट आता है नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ फाइन करूंगा अगली बार से। नहीं होगा नहीं, क्योंकि मैं एज ए डीएम यहाँ पे आया तो मैं कुछ फाइन तो करूँगा जी। तो यू गिव मी टोकन सम मनी, चाहे आप मुझे 100 रुपये दीजिए, लेकिन आई विल टेक सम मनी। ठीक ठीक दीजिए, इनको दे दीजिए प्लीज। अब बैंक से और पैसे पास कर ले रहा हूँ, और आपके आसपास ये लोग हैं, ये 10 रुपये नहीं डालेंगे पूरा। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं जी, हम सड़क पर नहीं डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो हर सोमवार को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जनता मिलन होते हैं, उसमें ये शिकायतें मुझे मिल रही थी कि बहुत से आधार सेंटर्स ऐसे हैं जो कि एक तो रेट लिस्ट अपनी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, दूसरा उनको जो करेक्शन के लिए जो फ़ी तय है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, प्रिंट आउट के लिए जो फ़ी तय है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो
तो आज मेरे द्वारा ये चेकिंग की गई इस आधार सेंटर में और मैंने ये पाया कि वाकई में यहाँ पे कोई रेट लिस्ट डिस्प्लेड नहीं है, जिससे पब्लिक को ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनको कितना पैसा देना है और उनसे ज़्यादा पैसा लिया भी जा रहा है। मौके पे इस बात की पुष्टि भी हुई है। मैं सभी आधार सेंटर्स को ये कहना भी चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि कृपया वो सभी एक तो रेट लिस्ट अपनी डिस्प्ले करें और उसमें जो लीगली जो रेट्स हमारे होने चाहिए वही वो ग्राहकों से लें। और मैंने ये भी पाया कि जिन बैंक्स में ये आधार सेंटर चल रहे थे उनकी जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है वो ख़राब है और वो सड़क पे ही अपना कूड़ा डाल रहे हैं, जो भी स्टेशनरी जनरेट हो रही है, वेस्ट पेपर्स हैं, जो कि गलत है। हम लोग पूरे हरिद्वार शहर में केवल 30 रुपया नगर निगम की ओर से लेते हैं यूज़र चार्ज के रूप में, जिसमें कि डोर टू डोर कलेक्शन का कूड़ा का जो है कलेक्शन किया जाता है और बैंक्स की ओर से नहीं किया गया। इसलिए मैंने छोटी सी धनराशि एक टोकन के रूप में ही 100 रुपये की इस बैंक पर लगाई है और सभी से रिक्वेस्ट है कि स्वच्छता में जो हमारा अभियान चल रहा है इस पे ध्यान दें और 30 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती, हम सभी इसको दे सकते हैं और हमारा शहर साफ दिखेगा।